तो एक लड़की ने सडनली मेरे को रोक लिया, आप रुकोगे? तो मैं एकदम से हड़बड़ आ गया एकदम से, क्योंकि मैं जानता पहचानता नहीं, एकदम से उसने बोला, सरप्राइज हो गया मैं। तो मैं रुक गया, मैंने कहा हाँ बोलो। तो हंसने लगी वो, ठीक है। तो उसने पता है मुझे क्या जवाब दिया, बोले मेरी मम्मी ने मेरे बॉयफ्रेंड को फोन किया है और मेरा बॉयफ्रेंड घर आ रहा है मेरा ख्याल रखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैंने सोचा कि थोड़ा बैकग्राउंड बदलें, आपको थोड़ा अच्छी जगह वीडियो बनाएं। ये एक जो है पैलेस है ये, ठीक है, बहुत पुराना, जो पोर्तुगीज़ जो है पुर्तगालियों के ज़माने का पैलेस है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, ठीक है, कि भाई ब्राज़ील की लड़कियां कैसी होती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन गर्ल्स और ब्राज़ीलियन गर्ल्स में क्या फ़र्क है, इंडियन लड़कियां और ब्राज़ीलियन लड़कियां कैसी होती हैं और क्या फ़र्क है उनमें। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि जो इंडियन गर्ल्स हैं और बहुत जी से। अच्छा तो दोस्तों वो गार्ड जी आ गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना 4 बजे तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और अभी 5:30 6 बज चुका है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फटाफट रिकॉर्ड कर लो, ज़्यादा डिले मत करो, क्योंकि कोई आ जाएगा अथॉरिटी तो परमिशन नहीं है, 4 बजे के बाद फिर परमिशन लेके रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंडियन लड़कियां हैं और ब्राज़ीलियन लड़कियां उनमें फ़र्क क्या है। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो तो आप लोगों को पता ही है, इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर पूरा अलग है। और ठीक है तो अभी हम इंडियन लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में क्या होता है जब हम छोटे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो हमें क्या सिखाया जाता है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो है ये जो प्यार मोहब्बत है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये सब हमारा काम नहीं है, ये गलत बात है, गंदी बात है ना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो आप और अच्छी नौकरी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तो अपने आप अच्छी लड़की या अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छे रिश्ते आते हैं, अरेंज मैरिज, ठीक है, वो वैसा है हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें बचपन से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को यही सिखाया जाता है, हमेशा हमेशा यही सिखाया जाता है स्टार्टिंग से। मुझे भी कई बार ऐसा बोला था, छोटा था मैं, तो मेरे फ्रेंड्स को भी बोला है मैंने, ऐसा सुना है बहुत सारे लोगों को। तो हमें यही बताया जाता है और ये बोलते हैं कि ये प्यार मोहब्बत है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लव मैरिज है, ये पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है। तो हमें सबको यही दूर रहने को कहा जाता है ना। हमारी जो इंडियन लड़कियां वो भी शर्मीली हैं, कि मतलब शर्मीली हैं वो, ठीक है, यहाँ इतनी ज़्यादा शर्मीली नहीं है लड़कियां, थोड़े यहाँ पे यहाँ के लोग बिंदास हैं, लड़कियां भी बिंदास हैं। तो दोस्तों ब्राज़ील में क्या होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है, आप आराम से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकते हो, लड़कियां भी बॉयफ्रेंड बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली सपोर्ट करती है। और ऐसा है कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड होगी ना, अगर यहाँ मतलब फॉर एग्जांपल आप ब्राज़ीलियन और आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको अपने घर ले जा सकती है, पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करने, भाइयों से, भाई बहनों से इंट्रोड्यूस करने, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये बिल्कुल ओपन है यहाँ पर। और जैसे कैसा रहता है यहाँ पर, अगर कोई एज थोड़ी बढ़ रही है, 25-30 साल का आदमी है या लड़की है या लड़का है, उनका फिजिकल रिलेशन ही नहीं हुआ होगा कभी, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही नहीं रहा होगा, तो लोग सोचते हैं यार इसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ नॉर्मल नहीं है ये बंदा या बंदी, कि भाई अभी तक इतना 25-30 साल का हो गया, कोई रिलेशन ही नहीं है, ना गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड है, कुछ कुछ भी नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई नॉर्मल नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, है ना, या ऐसे ही सोचते हैं, मतलब इन जनरल नॉर्मल, प्रॉब्लम होगी की बात नहीं है, इन जनरल नॉर्मल नहीं है वो इन लोगों के लिए। तो ये है बात, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अभी हमारे यहाँ भी होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा होता है, तो अभी मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल। अभी मैं, मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी अच्छी दोस्त थी, हम लोग इंग्लिश के ग्रुप में मिले थे, दोस्ती थी और कुछ नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही बात करते थे कभी व्हाट्सएप पे। तो एक दिन उसने बताया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा अरे तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम कैसे रहोगे, उसके पेरेंट्स जॉब करते थे, मैंने कहा तुम्हारे तो मम्मी पापा दोनों चले जाएंगे। तो उसने पता है मुझे क्या जवाब दिया, बोले मेरी मम्मी ने मेरे बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया है और मेरा बॉयफ्रेंड घर आ रहा है मेरा ख्याल रखने के लिए।
ठीक है, यहाँ उल्टा ही है। मम्मी फ़ोन करके इंडिया में बॉयफ्रेंड को गाली देती है कि छोड़ मेरी बेटी के पीछे पड़ा है तू, पुलिस में कर दूंगी तुझे। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं। तो ये है डिफरेंस, यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब कई लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई राजा भैया गर्लफ्रेंड बनाना ईजी है क्या? देखो भाई, मैं तुम्हें क्लियर बात बता दे रहा हूँ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हम गर्लफ्रेंड बनाने की बात करते हैं। लड़की पटाने वाले जो है ना, वो इंडिया में भी लड़की पटा लेते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग कल्चर में, ठीक है, जो पटाने वाले हैं वो उनकी वहाँ भी पट जाती है लड़की, ये हमेशा ध्यान रखना आप बात। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप यहाँ आओगे तो आराम से पट जाएगी, ऐसा नहीं। ब्राज़ीलियन लड़कियाँ भी इंडियन लड़कियों की तरह हैं, बहुत सारी शर्मीली भी हैं, बहुत सारी अच्छे अच्छे घरों की भी हैं, और बहुत सारी हैं जो पढ़ाई पर फोकस है बहुत सारी लड़कियों का। तो जो है बहुत सारी जो लड़कियां हैं पढ़ाई लिखाई पे फोकस है उनका, वही है कि नौकरी करना है पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो। और बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं, कई हैं इंडियन लोग भी हैं, कई बहुत सारे लोग यहाँ की लड़कियों की बुराई करते हैं बहुत कुछ कुछ। तो देखो भाई, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तो देखो अच्छे ही केस देखे, लड़कियाँ अच्छे घर की भी दिखी हैं मुझे, और जो है अच्छी फैमिली ओरिएंटेड भी हैं लड़कियाँ, अच्छी भी दिखी हैं। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं, बुराई करते हैं लड़कियों की कि ये ख़राब है, ब्राज़ील आ जाता है तो फिर वो लोग थोड़ा उसी वे में लेते हैं कि बेकार हैं लड़कियां, भाई कैरेक्टर लेस है या कुछ है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी का भाई फॉरेनर का एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो, उसको वैसे ही मिला हो, ठीक है। तो मैं तो यहाँ 1.5 साल से ज़्यादा रह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे देखे, मैं ब्राज़ीलियन लोगों के साथ ही रहता हूँ, ब्राज़ीलियन लोगों के साथ ही उठना बैठना खाना है मेरा, तो मैं पूरा अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अच्छी लड़कियाँ भी हैं, ख़राब भी हैं, जैसी हर जगह होती हैं, और वैसे ही है ना। तो अब इंडिया में भी ऐसी ख़राब लड़कियाँ होती हैं कई बार कि भाई स्मोक कर रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे स्मोक करने वाली लड़कियाँ हैं कुछ कुछ, लेकिन जो ड्रिंक करना है ना यहाँ पे, वो भी बहुत कॉमन है। लड़कियाँ ड्रिंक करती हैं, लड़के भी, आप फैमिली के साथ मिलकर ड्रिंक कर सकते हो भाई, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ चल रहा है, पार्टी चल रही है सैटरडे संडे, आराम से आप जो है वाइन है बियर है आराम से पी सकते हो, यहाँ पे ऐसी हैं। तो लड़कियाँ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी कि भाई सोशली ड्रिंक करते हैं, यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, इंडिया जैसा नहीं है, है ना, कि भाई हमारे यहाँ कैसा है कि भाई शराब जो है वो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शराब नहीं पीते, बहुत सारे लोग हैं वो रिलीजन की वजह से शराब नहीं पीते, और बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई वो वैशन है, वो एडिक्शन है, ख़राब है, लत लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ बिंदास पीते हैं, लिमिट में पीते हैं, उनको पता है, और कुछ होता है, पार्टीज़ होती हैं, कुछ होता है तो लड़कियाँ भी ड्रिंक करती हैं, और हाँ टीनेजर लड़कियाँ भी ड्रिंक करती हैं, मतलब ये नहीं बोल रहा कि बड़ी लड़कियाँ, तो 18 साल से कम वाले भी कई बार करते हैं घर पे है। तो ऐसा है, यहाँ का डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है। मैं ये कंपैरिजन करने के लिए वीडियो नहीं बताया, मैंने आपको डिफरेंसेस बताए कि यहाँ कैसा होता है वहाँ कैसा होता है, ठीक है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे तो मैंने क्लियर कर दिया कि पटाने वाले यहाँ पे भी पटा लेते हैं, पटाने वाले इंडिया में भी पटा लेते हैं, भाग के शादियाँ इंडिया में भी होती हैं, लव मैरिज इंडिया में भी होती हैं, ठीक है। और ये है, और एक मैं आपको केस बताता हूँ क्या हुआ था। मैं चल के जा रहा था यहीं इसी रोड से, तो क्या हुआ, यहाँ स्कूल्स हैं, तो एक स्कूल की तीन लड़कियाँ खड़ी थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी वो तीनों। तो एक लड़की ने सडनली मेरे को रोक लिया, आप रुकोगे? तो मैं एकदम से हड़बड़ा गया एकदम से, क्योंकि मैं जानता पहचानता नहीं, एकदम से उसने बोला, सरप्राइज हो गया मैं, तो मैं रुक गया, मैंने कहा हाँ बोलो, तो हंसने लगी वो, ठीक है। तो क्या हुआ, वो हंसने लगी, और फिर उसकी जो दोस्त थी उसने कहा तू क्यों परेशान कर रही है, उसको जाने देना, ठीक है। तो ये होता है कि यहाँ लड़कियाँ बिंदास हैं, उसने मुझे छेड़ने लगी हो, तो यहाँ पे ऐसा होता है, लड़कियाँ भी लड़के को छेड़ देती। आपने देखा होगा कोई, वो जो मैं ब्राज़ील में घर कैसे होते हैं वो एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा मैं वीडियो बना रहा था, और दो तीन लड़कियों ने कुछ कमेंट मारा था, हाय हेलो कुछ कुछ कमेंट मार रही थी वो। तो ऐसा है यहाँ पे, वैसा शर्मीली नहीं है लड़कियाँ, जैसे यहाँ पे अभी इंडिया में कैसा होता है कि भाई किसी लड़की का हमें नंबर मांगना हो तो हमें बहुत वो बड़ी बात होती है, बात करना हो किसी लड़की से वो भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कई जगह होता है ऐसा, बड़े बड़े सिटीज़ में थोड़ा कॉमन हो गया, लेकिन बहुत सारे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, आपस में थोड़ा बात करने से हेजिटेशन होता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बिंदास है, और कोई टेंशन नहीं लेता। और आप लड़की पटा भी लो तो भी कोई नहीं, आप अपने घर मिलाने ले जा सकते हो पेरेंट्स से, है ना। तो ये है,
यहाँ पे फ्री हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अब इंडिया में भी कुछ कुछ पेरेंट्स हैं जो लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि भाई भाई मैं मराठा हूँ, मैंने मराठी लड़की ढूंढ के लव मैरिज कर ली, ठीक है, तो उसमें सपोर्ट भी कर देते हैं, है ना। बहुत अगर बहुत अलग अलग रिलीजन ना हो, अलग अलग वो ना हो, तो प्रॉब्लम कई बार नहीं होती। वहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कि भाई मैं हूँ मतलब मैं यूपी का हूँ कोई गांव का, मैं वहीं की लड़की से शादी कर ली ढूंढ के, है ना, लव मैरिज कर ली। तो अपनी सेम कास्ट में कोई कुछ कई बार वो ओके हो भी जाता है, प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ वैसे। और यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप, यहाँ पे आपकी अगर बेटी होगी या आपकी भाई बहन होगी, वो फॉरेनर से भी पटाके शादी कर रही है तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता। तो आपने देखे हैं कितने सारे केसेस हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के। तो यहाँ पे ऐसा कल्चर है, ओपन है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है मैंने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, बैकग्राउंड भी बहुत मस्त है, अभी का पैलेस दिखा दी। ये पैलेस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पैलेस है ये बहुत, इसमें हिस्ट्री भी है बहुत बड़ी और कुछ अभी भी चलता रहता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।